तनाव में इंसान सुध-बुध खो देता है, ऐसी ही घटना खरगोन में हुई है। भीगन गांव नगर परिषद के निलंबित सीएमओ मोहन सिंह अलावा गुरुवार को इतने तनाव में थे कि तेज रफ्तार कार से 5 लोगों को रौंद दिया। एक व्यक्ति की इंदौर ले जाते समय मौत हो गई, 4 अन्य घायल हैं। उन्होंने कार 500 मीटर तक अधाधुन चलाई। इसी बीच सड़क किनारे खड़े हाथ ठेले वाहन और दुकानें भी कार की चपेट में आ गए। पुलिस ने कार जब्त कर मोहन सिंह को गिरफ्तार कर ली। मोहन ने पुलिस को बताया कि वो तनाव में थे। जानकारी के अनुसार मोहन सिंह निलंबन के बाद से ही तनाव में है। गुरुवार को वो मंदिर के पुजारी के पास अपने ग्रह नक्षत्र का उपचार पूछने गए थे। मंदिर से कार से लौट रहे थे। उनकी कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सबसे पहले डीजे कोर्ट के सामने खड़ी बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद बस स्टैंड पर स्थित 2 पान की दुकानें और एक होटल का साहिबान को हवा में उड़ाते हुए फल के 3 हाथ ठेलों को रौंदा। इसके बाद भी उनकी कार नहीं रुकी और बस स्टैंड से रेस्ट हाउस तक टक्कर मारते हुए बढ़ती रही। पेट्रोल पंप और डाक बंगले के सामने बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद पुलिस ने अलावा का मेडिकल कराया, इसमें शराब पीना नहीं पाया गया है। 14 दिसंबर को खरगोन में एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। सीएम ने आर्थिक अनियमितताओं के मामले में मोहन सिंह अलावा को मंच से निलंबित कर दिया था। बताया गया कि निलंबन के बाद से ही मोहन सिंह काफी तनाव में हैं। निलंबन की वजह को वो अपने ग्रह दोषों की चाल मान रहे हैं। इसी वजह से रविवार को पुजारी के पास गए थे ताकि ग्रहों की चाल का कोई उपचार किया जा सके। पुजारी ने उन्हें क्या बताया इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। हादसे में बाबुल पिता केदार निवासी मंगैया फलैया अक्षय चौबे भीगन गांव छतर सिंह प्यार सिंह चापड़ पीरुध्यान सिंह भड़वाली और रामलाल धनकर निवासी कुदला जागीर घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल भेजा गया। इसमें गंभीर रूप से घायल रामलाल धनकर को पैर कमर हाथ और सिर में चोट आई। बेहोशी की हालत में प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर किया गया। खरगोन से इंदौर ले जाने के दौरान रामलाल की मौत हो गई। हादसा भीगन गांव बस स्टैंड के पास हुआ। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम भीगन गांव बस स्टैंड के पास फ्लैग मार्च कर रही थी। हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पूर्व सीएमओ ने अपनी आर्टिका कार को स्पीड में दौड़ाई और 4 राहगीरों को रौंद कर घायल कर दिया। इस मामले में भीगन गांव थाना प्रभारी सौरभ बाथम ने बताया कि हादसे में घायल एक व्यक्ति की मौत के बाद धाराएं बढ़ाई जाएंगी। साथ ही बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सीएमओ अलावा तनावग्रस्त होने की वजह बता रहे हैं। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।